हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने कई दिनों से सोच रहा था कि कैसे एक MWM ट्रांसमीटर बनाया जाए। तो इससे पहले मैंने FM ट्रांसमीटर, शॉर्ट वेव AM ट्रांसमीटर बनाया है, लेकिन आज मैं पहली बार जो मीडियम वेव का AM रेडियो ट्रांसमीटर है वो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं, मैंने एक कॉयल यूज़ करके एक सिंपल सा AM ट्रांसमीटर बनाया है जो कि मीडियम वेव पर काम करेगा। ये जो कॉयल आप देख रहे हैं, एक कॉयल है ऑसिलेटर कॉयल, जो कि पुराने ज़माने का जो लकड़ी का रेडियो होता था, वुडन रेडियो होता था, उसमें यूज़ होता था। इसको कहते हैं यूनिवर्सल ऑसिलेटर कॉयल। तो ये जो ऑसिलेटर कॉयल जो है आप मेरे पास देख रहे हैं, ये है आपका नेशनल कंपनी का, नेशनल सिलिकॉन MWOSC, ये देखिए। और ये आपको मीडियम वेव पर यूज़ करने के लिए बनाया गया है। ये देखिए, इसमें एक नीचे स्क्रू है जो कि वो जो रेडियो होता था पुराने ज़माने का, जिसमें एल्युमिनियम का एक प्लेट का चेसिस होता था, उसमें ये लग जाता था ऐसे। और यहाँ से हम वायर को उसके जो बोर्ड होता है उसमें हम कनेक्ट करते थे। और ये देखिए, बीच में एक स्क्रू है जो कि फेराइट कोर का है। इसको हम घुमा के इसका जो ऑसिलेशन जो होता था, ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता था, उसको हम एडजस्ट करते थे, ठीक है। तो यही आइडेंटिकल कॉयल जो है मैं यहाँ पर भी यूज़ किया है। और इसके साथ कुछ कंपोनेंट, जैसे कि फीडबैक देने के लिए मैंने एक ये जो कैपेसिटर है जिसका प्रिंटेड वैल्यू 223, मतलब ये 0.022 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो इसको हमने ट्रांजिस्टर के बायसिंग में फीडबैक देने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और एक कैपेसिटर लगाया है यहाँ पर, ये देखिए छोटा वाला, ये रेड कलर का, ये है 104। ये बहुत ही कॉमन, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये देखिए, जिसका प्रिंटेड वैल्यू 104, मतलब इसका PF वैल्यू होगा 10, उसके पीछे 40, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, ये देखिए, ये वाइट वाला C548, ये फिलिप्स का ओरिजिनल NPN ट्रांजिस्टर है, ये वाला, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ ये जो दूसरा जो है ये भी पुराने ज़माने का है, ये देखिए BC148 की जगह हम 548 यूज़ कर सकते हैं। ये 148 वाला जो ये मोटे मोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये मार्केट में अभी नहीं मिलता है। ये देखिए, बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर है जो कि उस टाइम का जो रेडियो होता था उसमें यूज़ होता था, और काफ़ी मतलब अच्छी ट्रांजिस्टर है ये। तो मैंने बहुत ही मुश्किल से इसको ढूंढ के मार्केट से ख़रीदा है, और तीनों ही मिला मुझे उस शॉप में, ये मोटा मोटा वाला, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। और कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि 1.2 के रेजिस्टेंस चाहिए, एक 22 के प्रीसेट चाहिए, ये वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस, और एक कैपेसिटर चाहिए वो DC वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए। ये 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का है। और ये जो आपको एक ट्रांजिस्टर की तरह दिख रहा है, ये वाला, ये देखिए, ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर नहीं है, ये देखिए, ये BT66, ये एक्चुअली एक टोन जनरेटर IC है, UM66 या BT66 जो भी है, आपको मार्केट में दोनों नाम के ही मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली मेलोडी टोन जनरेट करता है। हमने इसको यहाँ पर लगाया इसलिए ताकि हमें अलग से म्यूजिक सोर्स से इसको इनपुट नहीं देना पड़े, क्योंकि हम इसको टेस्टिंग करेंगे ना। तो मैंने पहला वाला मेरा जो FM ट्रांसमीटर का वीडियो था उसमें भी मैंने यही IC को यूज़ किया था, ये ट्रांजिस्टर जैसे दिखने वाला IC को, और इसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो ऑडियो इसमें लाइन इन होकर इस ट्रांसमीटर में जाएगा और हम उसको रेडियो में पकड़ेंगे, ठीक है। तो बाद में अगर ये जो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको निकाल के इसी के जगह हम यहाँ पर हम ऑडियो को किसी भी MP3 प्लेयर से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो वो जो ऑडियो होगा वो हमारे रेडियो पर सुनाई देगा।
ठीक है, तो पहले समझते हैं ये जो कॉयल जो है इसके बारे में। देखिए इस कॉयल में 5 टर्मिनल है और सब में कलरिंग किया गया है। देखिए ये देखिए ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड, वाइट। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सा पिन कौन सा नंबर का है और कौन सा कॉयल का है? तो इसका एक सिंपल मेथड है, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो कलर कोड से आपको दिखाते हैं कि जो रेड रेड जो होता है ये होता है 1 नंबर पिन, उसके बाद व्हाइट सफ़ेद वाला जो होता है वो 2 नंबर पिन, उसके बाद यहाँ पर तो जो ग्रीन वाला होता है ये हो गया आपका 3 नंबर पिन। और आपको जहाँ दोनों वायर का जॉइंट दिखाई देगा, दोनों कॉइल ये देखिए यहाँ यहाँ दोनों जहाँ आपको जॉइंट दिखाई देगा वो हो जाएगा आपका 4 नंबर पिन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको दोनों वायर यहाँ पर जॉइंट है, ये येलो वाला जो पॉइंट है ये 4 नंबर पिन, और एकदम लास्ट जो है वो हो गया 5 नंबर पिन। अब कहीं कहीं ये तो नंबर मेंशन नहीं होता है, तो हम मल्टीमीटर से इसको चेक कैसे करके इसका पिन निकालते हैं? देखिए आपको क्वांटिटी मोड पर मल्टीमीटर को रखकर पहले इस दोनों पॉइंट में टच करना पड़ेगा। अब देखेंगे इस साइड का कॉइल, इस साइड का कॉइल जो है इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि दोनों अलग कॉइल है, तो आपको ये दोनों पिन जो मिल जाएंगे वो आपका होगा प्राइमरी साइड। तो सेकेंडरी कॉइल में आपको तीनों पिन में आपको कॉन्टिन्यूटी दिखाई देगा, कहीं भी एक लगाकर आप टच करेंगे तो बाकी दोनों जगह पर भी आपको रीडिंग दिखाई देगा। अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस चेक मोड में मतलब ओम्स वाला पॉइंट में रखकर आप बीच में लगाकर यहाँ आप टच करेंगे तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा देगा, यहाँ आप टच करेंगे तो कम रेजिस्टेंस दिखा देगा। हम यहाँ एक कॉमन टच करके यहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस और दूसरा रेट फिर से यहाँ टच करेंगे तो यहाँ कम रेजिस्टेंस दिखा देगा। तो हमें क्या कितना मिला? हमें मिला यहाँ लगभग 8.2 ओम्स और यहाँ 2 ओम्स, मतलब टोटल मुझे 10 और 10.2 ऐसा मुझे यहाँ से इस दोनों कॉल के बीच में मिला है। ठीक है, तो हमारा ये जो प्राइमरी साइड का कॉल है अभी के लिए एक कोई काम का नहीं है, हम ए वाला साइड को हम नहीं यूज़ करेंगे, इस साइड में ही हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए कैसे ये जो सर्किट डायग्राम है इसको आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहले हम हमारा जो ऑसिलेटर कॉइल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेकेंडरी वाला साइड को, यहाँ कम टर्न की कॉइल है, उसके बाद ज़्यादा टर्न। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है ये देखिए, ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसका जो बीच है ये बेस है, एक कलेक्टर है और ये इमीटर है। अब छोटा वाला में भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, आपको रीडिंग दिखाई देगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये देखिए ये बीच वाला जो पिन है ये आपका बेस हो गया, ये वाला आपका इमीटर हो गया, और ये वाला आपका इस साइड का जो होता है ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा इमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस। तो कलेक्टर पिन को हम डायरेक्टली यहाँ ग्रीन पॉइंट पर लगाएंगे, मतलब 3 नंबर पॉइंट में लगाएंगे। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 5 नंबर से आपको एक 0.022 माइक्रोफराड, मतलब जिसका प्रिंटेड वैल्यू है
2 2 3, वो मोटा वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसको लगाना है यहाँ पर 5 नंबर पिन से, इसके बेस में चला जाएगा। और ये 4 नंबर जो है यहाँ आपको देना पड़ेगा पॉजिटिव सप्लाई। मैं यहाँ वायर को ऐसे जंप कर रहा हूँ, ये जॉइंट नहीं है, मैं जंप कर रहा हूँ, तो यहाँ देना होगा आपको पॉजिटिव सप्लाई। कितने वोल्ट देंगे? 3 से 5 वोल्ट, ठीक है। तो और ये जो इमीटर है, ये आपका बैटरी का नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं। ये देखिए, अभी जो है ये ट्रांजिस्टर जो है, यहाँ जो ऑसिलेशन करेंगे उसका जो, ये जो सेकेंडरी कॉइल जो है, इसमें जितना भी फ्रीक्वेंसी मतलब प्रोड्यूस होगा, वो इस कैपेसिटर के थ्रू इसके बेस में आ जाएंगे, और ये ऐसे ऑसिलेशन कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसको बायसिंग वोल्टेज देने के लिए हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जिसको 2 पिन मैंने ऐसे शॉर्ट कर लिया, ए पिन और बीच वाला जो पिन, और उसके बाद एक 1.2 के लगाकर यहाँ पर हमने बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एक्चुअली हमने प्रीसेट लगाया है, आप चाहे तो ऐसे पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं आप, ये दोनों या फिर ये दोनों पिन को आप ऐसे शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर लगा दीजिए और एक पॉजिटिव के साइड में, या तो फिर आप प्रीसेट भी लगा सकते हैं, आप ऐसे प्रीसेट लगा सकते हैं, आप ऐसे प्रीसेट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये बीच वाला पिन और ये साइड वाला एक पिन को ऐसे शॉर्ट करके साइड में लगाना पड़ेगा। तो मैंने मेरे जो सर्किट है उसमें मैं इस टाइप का प्रीसेट लगाया है, जिसका दोनों लेग मैंने ऐसे शॉर्ट कर दिया, और एक को मैंने पॉजिटिव के साइड लगाया और एक को नीचे लगाया। ये देखिए ए वाला पिन, ए वाला पिन, ये साइड वाला पिन मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको, तो इसमें क्या होता है, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से एडजस्ट करके हम इसका जो बायसिंग वोल्टेज है वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर ट्रांजिस्टर का बायसिंग वोल्टेज उसको एडजस्ट करना पड़ता है, प्रॉपर वोल्टेज मिलने से ही वो प्रॉपर ऑसिलेशन स्विचिंग करता है। तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, यहाँ तो ग्राउंड मिल रहा है, यहाँ से पॉजिटिव हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन एक ट्रांजिस्टर तभी एक्टिव होगा जब हम बायसिंग में थोड़ा सा वोल्टेज देंगे। तो हम यहाँ तो इसका स्टार्टिंग में कुछ हल्का वोल्टेज दे रहे हैं, उसके बाद इसको, इस सर्कल को मतलब ये जो साइकिल है इसको कंप्लीट करने के लिए हम ये जो सेकंड एक कॉइल है 4 से 5 के बीच में, यहाँ से एक कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं। एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसके बाद वोल्टेज यहाँ इसको सप्लाई कर रहा है, और ये ट्रांजिस्टर फिर से एक्टिव हो रहा है और फिर से ऐसे काम कर रहा है। मतलब जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एम रेडियो का, वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे घूमते जा रहे हैं। तो हम यहाँ से हमारा एक वायर लेके हम एंटीना के लिए बाहर कर देंगे। ये हमारा निकल गया एंटीना की वायर। और आपको इस दोनों पॉइंट में एक वोल्टेज फिल्टर कैपेसिटर लगाना है। तो ये है हमारा एक, इसका प्लस साइड एवं नेगेटिव साइड। ये है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ हमें प्लस सप्लाई देना है, यहाँ हमें माइनस सप्लाई देना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आप इस पॉइंट से, देखिए मैं बैटरी का नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला 5 नंबर पिन से हम एक अर्थ कर देंगे तो हमारा जो रेंज जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, और एंटीना को भी आपको ऊंचाई में लगाना पड़ेगा। तो ये जो है एकदम बेसिक सा ट्रांसमीटर है। और एक चीज़ मैंने यहाँ मतलब भूल गया हूँ, जो ऑडियो सिग्नल मैं दे रहा हूँ वो UM66 या BT66 टोन जनरेटर IC से, पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। BT66 और
UM66 दोनों ही सेम ही आईसी हैं, दिखने में ट्रांजिस्टर की तरह लगता है। इसका जो बीच वाला जो पिन है यहाँ मैं 1K रेजिस्टेंस लगा कर रखा हूँ ताकि इसमें प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है सॉरी ये जो आईसी है इसमें 3 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई देने से ख़राब भी हो सकता है। तो इसको हमने इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये वाला जो पिन है ये नेगेटिव है, इसको भी हमने एक नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है और ये हो गया आप इसका ऑडियो आउट। तो इसको हम यहाँ जम करके यहाँ हमने एक 104 मतलब 1044 PF एक के पीछे 50 लगाकर जो वैल्यू होता है वो इसका PF वैल्यू होता है उसको कनेक्ट करके हमने ऑडियो सिग्नल दिए हैं इस ट्रांजिस्टर के बेस में ए वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें लगाना है तो ये एक मेलोडी जनरेटर आईसी है, आप यहाँ कोई भी म्यूजिक सोर्स लगा सकते हैं इस पॉइंट पे, MP3 प्लेयर से, CD प्लेयर से, जहाँ भी मोबाइल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल से, तो वो ऑडियो इसके बेस में घुस जाएगा और ये तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है उसके साथ मिक्स होकर। एक्चुअली ये यहाँ पर हम उसको मॉड्यूलेशन कर रहे हैं ऑडियो को, हालांकि मॉड्यूलेशन के और भी कई तरीके मेथड है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूलेशन, ऑसिलेटर के कॉइल के ऊपर वायर को लपेट के एक मॉड्यूलेशन किया जाता है, मॉस्फेट मॉड्यूलेशन। अपने मेरा पिछला जो वीडियो था शॉर्टवेव ट्रांसमीटर का आप उसमें देख सकते हैं, हम Z44 मॉस्फेट लगाकर उससे भी हम मॉड्यूलेशन कर रहे थे ऑडियो को। तो आने वाले वीडियो में हम और भी कई तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको वो मिलता रहे और इसको अपग्रेड करने में भी जो भी हम उपाय निकालेंगे वो भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। तो ये हो गया आपका एकदम बेसिक AM रेडियो ट्रांसमीटर मीडियम वेव बैंड में, ठीक है। तो अभी आपको ये जो ट्रांसमीटर है इसको चलाकर दिखाते हैं। तो ये जो ट्रांसमीटर है ये 3 से 5 वोल्ट में काम करता है, लेकिन मेरे पास मैं 9 वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा, ये देखिए 9 वोल्ट का बैटरी क्लिप, इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ 1K रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ ताकि वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हो जाए और ये जो सर्किट है ये मेरा सेफ रह जाए, नहीं तो ट्रांजिस्टर गर्म होगा और हो सकता है वो ट्रांजिस्टर ख़राब भी हो जाए। तो मेरे पास है एक 9 वोल्ट का बैटरी, इसको लगाएंगे, पहले रेडियो को निकालते हैं। ये हो गया मेरा वो पुराना रेडियो, इसको AM मोड में सिलेक्ट करते हैं। लास्ट वाला जो है मेरा MW है, इसके बाद ये शॉर्ट वेव है, इसके बाद ये FM है, TV1, TV2, FM, M शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ठीक है। तो इसको मीडियम वेव पर रखते हैं और ऑन करते हैं। तो ठीक है, इसको किसी जगह पर रखते हैं जहाँ कोई सेंटर नहीं है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ।
मेरा कनेक्शन टूट गया था इसलिए ऑडियो नहीं गया था। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इसका जो आउटपुट पिन है मेलोडी जनरेटर का वो टूट गया था। देखिए अगर हम इसको निकल के ऑडियो यहाँ देंगे, तो बाद में हम यहाँ पर कोई भी ऑडियो इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो सोर्स से, MP3 प्लेयर से या फिर मेरा कंप्यूटर से, तो वो यहाँ पर मॉड्यूलेट होकर इस ट्रांसमीटर से एंटीना के थ्रू ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेंज ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा रेंज पाने के लिए हमें इस पॉइंट से एक अर्थ करना पड़ेगा, कम से कम 5 फीट वो काफ़ी है, 5 फीट डीप आपको एक अर्थिंग करना पड़ेगा और एंटीना भी आपको ऊंचाई पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये जो दो पॉइंट है ना, ये एंटीना पॉइंट और ये जो ग्राउंड अर्थिंग वाला जो हमने निकाला है ये वाला 5 नंबर पिन से, यहाँ पर अगर हम एक रेडियो का जो गैंग लगा देंगे 0 to 30 PF का, तो हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो होता है ना ट्यूनिंग का, ये बीच वाला पिन हम यहाँ लगा देंगे और एक साइड का कोई भी एक लगाकर एंटीना के साथ लगाकर हम ऐसे सेट कर देंगे तो हमें ट्यून करने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हमारा जो ट्रांसमिशन है वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके साथ और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट आने वाला है इसी चैनल में। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।